अरविंद केजरीवाल मौन है और आम आदमी पार्टी सदमे में। कल तक भोंपू की तरह बज रहे सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, आतिशी मार्लेना के मुंह से बोल नहीं फूट रहे। वजह ये कि एक तो केजरीवाल की तिहाड़ जेल में वापसी और दूसरा दिल्ली में पार्टी का हाल, फिर वही निलबटे सन्नाटा। दिल्ली में सीट जीतने की लालसा इतनी थी कि कांग्रेस के साथ बेमेल गठबंधन किया, लेकिन उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। केजरीवाल गिरफ्तारी को चुनावी मुद्दा बनाते नजर आए। पहले सुनीता केजरीवाल रोड शो कर सहानुभूति की लहर पैदा करने की कोशिश करती रहीं, फिर अचानक केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर निकले और आम आदमी पार्टी का असली ड्रामा शुरू हुआ। लेकिन शराब घोटाला मामले में पकड़े गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता की कोई सहानुभूति नहीं मिली। सहानुभूति तो छोड़िए, जनता इतनी नाराज थी कि केजरीवाल की पार्टी की दिल्ली वालों ने पूरी तरह से सियासी जमीन ही खिसका दी। वही हाल कांग्रेस का रहा। कांग्रेस ने बिहार से हार कर लौट रहे कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के खिलाफ मैदान में उतार दिया और बीजेपी से रिजेक्ट किए गए उदित राज को भी कांग्रेस ने टिकट थमा दिया। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि दोनों ही बुरी तरह से हार रहे हैं। बीजेपी लगातार तीसरी बार दिल्ली में क्लीन स्वीप करने की स्थिति में है। अगर नतीजे ऐसे ही रहे तो ये बीजेपी के लिए बड़ी बात होगी और फिर सवाल आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर उठ खड़ा होगा, क्योंकि शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी भी आरोपी है। जाहिर है नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई तेज होगी। इतना ही नहीं, इस महीने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर खाली करना है, क्योंकि वो अवैध तरीके से हाईकोर्ट की जमीन पर बनाया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार एक मायने में राहुल गांधी की हार से भी बड़ी है। आम आदमी पार्टी ने जेल का जवाब वोट से के नाम से जोरदार कैंपेन चलाया था, लेकिन मोदी मैजिक के सामने ये कैंपेन हवा हो गया। दिल्ली की हार से अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल यहां तक कह रहे हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक को वोट मिले तो उन्हें वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान स्वाति मालीवाल का मामला उठ खड़ा हुआ, जिसमें अरविंद केजरीवाल की रही सही कसर भी निकाल दी। जिस तरह से केजरीवाल विभव कुमार के बचाव में उतरे, विरोध प्रदर्शन किया, शेमिंग करवाई, एडिटेड वीडियो क्लिप वायरल करवाया, आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, ध्रुव राठी सहित स्वाति मालीवाल को बदनाम करने के लिए इन्हें मोर्चे पर लगाया, पूरा का पूरा मामला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चला गया। और नतीजों से साफ है कि दिल्ली वालों के द्वारा अब पूरी उम्मीद टूट चुकी है जो केजरीवाल पर थी। अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव भी होने हैं और नतीजों का असर चुनाव पर दिखेगा, पर लगता नहीं कि तीसरी बार केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में वापस आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।